दोस्तों, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बार्ड सैम प्यार। मैं प्रणव आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बार्ड सैम पर से करता हूं बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे कैल्शियम क्या है और कैल्शियम हमारे बार्ड्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हम कैसे इनको प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे बार्ड्स या पैरट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मार्केट में कई सारी ब्रांड का कैल्शियम मिलता है, ऑस्टो कैल्शियम मिलता है, लेकिन जो ये ऑस्टोवेट होता है ये बहुत ही एक अच्छा कैल्शियम है। तो आप देख सकते हैं ये ऑस्टोवेट है, ये भाईबेक कंपनी का है और ये एक बहुत ही अच्छा कैल्शियम है। सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारे गुण रहते हैं, तो हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो मैं तो मेरे बार्ड्स के लिए यही यूज करता हूँ। आप लोग क्या यूज करते हैं वो तो शायद मेरे को नहीं पता। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये देख सकते हैं इसमें कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, विटामिन D3 है, विटामिन B12 है, कार्बोहाइड्रेट है। मतलब कि जो सारे बार्ड्स या पैरट्स होता है उनके लिए जो जो चीज़ ज़्यादा चाहिए होता है वो सब कुछ इसमें मिला हुआ है। तो हम ये जो ऑस्टोवेट है हमारे बार्ड्स को प्रोवाइड करेंगे तो उनका हेल्थ जो है बहुत ही अच्छा रहेगा एंड जो ब्रीडिंग के टाइम जो एक बाइंडिंग वगैरह होता है वो भी नहीं होगा और चिक्स हैच होने के बाद जो उनका पर आता है, मतलब कि उनका जो फेदर आता है, उनका भी कोई मसला नहीं होगा, उनका फेदर जो है अच्छे से आ जाएगा। तो बेसिकली जो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है ये दो ही प्रॉब्लम, एक तो एक बाइंडिंग और एक जो फेदर है, फेदर का प्रॉब्लम, मतलब कि फेदर पूरा नहीं आता है, इनको छाट बच्चा बोलता है। तो हम लोग कैल्शियम अच्छे से प्रोवाइड करें तो हमारे बार्ड्स जो है वो अच्छे से ब्रीडिंग भी करेगा और उनका हेल्थ जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं तो मेरे बार्ड्स के लिए यही यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक कैल्शियम है और इसमें हमारे बार्ड्स भी बहुत हेल्दी रहेगा और आपको बहुत सारे फ़ायदा भी इसमें मिलेगा, क्योंकि आपका बार्ड जब हेल्दी रहेगा वो अच्छे से ब्रीड भी करेगा और उसमें आपको बहुत सारे फ़ायदा भी होगा। तो चलिए चलते हैं, अभी इसको यूज कैसे करें उसके बारे में जानते हैं। तो इसको हम पानी के साथ मिला के हमारे बार्ड्स को दे सकते हैं। हम जो बार्ड्स के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं उसके साथ मिला के हम लोग दे सकते हैं। अभी बात आता है हम कितना क्वांटिटी में हम इनको मिला है। हम इनको 1 लीटर पानी के साथ 5 से 7 ml तक दे सकते हैं। और आपके पास जितना बार्ड्स है, आपके पास समझ लो कि आपके पास ज़्यादा बार्ड्स है तो आप उनका हिसाब से ही पानी लेना, लेकिन मेडिसिन जो देना है हमको 1 लीटर के साथ 5 से 7 ml, उसके हिसाब से आप जितना पानी लेंगे उतना ही देना है। तो 5 लीटर के हिसाब से 5 से 7 ml तक आप इनको दे सकते हैं एंड पानी जो आप प्रोवाइड करते हैं उसके साथ मिला के दे सकते हैं। अभी हम जानेंगे हमको कितना दिन देना है हफ्ते में। तो देखिए दोस्तों, ये जो कैल्शियम होता है ये बार्ड्स के लिए बहुत ही रिक्वायर होता है, तो हम इनको हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं, फिर या फिर 3 दिन दे सकते हैं, 3 बार या 2 बार दे सकते हैं। और बेसिकली अच्छा होगा कि आप 2 बार दीजिए, क्योंकि 2 बार से ही अच्छा होगा। और 3 बार आप दे सकते हैं, जब ब्रीडिंग से पहले आप दे सकते हैं 3 बार। और हफ्ते में समझ लो कि एक हफ्ते में आप 2 दिन या 3 दिन दे दिया, बाद में फिर नेक्स्ट वीक को, मतलब नेक्स्ट हफ्ते को आपको देना है। और ऐसे करके हम हमारे बार्ड्स जो है उनको कैल्शियम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
सब्सक्राइब करने के बाद उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर हो जाएगा, उसको भी दबा देना, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो यूट्यूब में अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बार्स एम्पियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।